बताते देख पा रहे अच्छा तू क्वालिटी है भाई और उसमें प्रॉब्लम आ चुका है उसका हेडलाइट में प्रॉब्लम। तो ये गाड़ी सर्विसिंग के लिए आया हुआ था तो इसका जो है काम हो चुका है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बताएंगे। इसका जो है हेडलाइट ऑन नहीं हो पा रहा है, ना लो में काम कर रहा है ना हाई में। तो यहाँ पर जो है हमारा चाबी ऑन करने के बाद हेडलाइट किसी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। हमारा पार्किंग लाइट यहाँ आगे दिखा दे इस जगह पे, ये हमारा चाबी ऑन करने के बाद ये पायलट लाइट जो है पार्किंग लाइट ये ऑन होना चाहिए, ये ऑन नहीं हो पा रहा है। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली और हेडलाइट भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो गाड़ी को यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह का दिक्कत आता है और हाई वाला सिंबल वहाँ बता रहा है तो समझ जाए हमारा हेडलाइट के अंदर जो है पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर दिखा दे प्रॉपर तरह से ये साइड आके आपको ये वाला जो वायर है हमारा इसी में हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली हम इसको काट लेंगे यहाँ ब्लेड की मदद से। और आपको लाइव इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि हेडलाइट का प्रॉब्लम जब आता है पल्सर गाड़ी में तो हमारा मैकेनिक भाई लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसको समझना पड़ता है दिक्कत आखिर है कहाँ से। और स्विच वगैरह डायरेक्ट चेक करेंगे तो इस तरह से दिक्कत हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और काम नहीं हो पाता। तो प्रॉब्लम जहाँ रहता है वहाँ पर देखना पड़ता है। यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं प्रॉपर तरह से। इसमें टेप मारा गया है, ये लगता है यहाँ से इशू है। और यहाँ भाई लोग देख पा रहे हैं रस्सी वगैरह सारा कुछ बांध दिए हैं। यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं पूरा तरह से। तो टेप बराबर तरह से इसमें मार दिया गया है कि हमारा इसमें टेप मारने इस तरह से मार के कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें लॉक लगा रहता है और बाहर से टेप मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस तरह से पूरा तरह से काट लेते हैं ब्लेड की मदद से। यहाँ पर रस्सी वगैरह भी बांधा गया है क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से है 100%। उसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर चुके हैं और आपको लाइव बताएंगे दिक्कत किस तरह का है इसमें। तो यहाँ पर आपको दिखा दे ये जो क्लिप दिख पा रहा है चार वायर का क्लिप है ये, और ये जो हमारा क्लिप है डैमेज है। तो प्रॉपर इसी से हमारा जो है पावर सप्लाई होता है। यहाँ पर आपको दिखा है प्रॉपर तरह से ये जो हमारा दिख पा रहा होगा ये जो है हमारा ब्लैक में पीला लाइन है, यहाँ पर दिखा दो प्रॉपर तरह से। तो इससे हमारा जो है ऑन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा क्लिप में कोई इशू नहीं है, ये क्लिप जो है हमारा शॉर्ट हो चुका है तो ये लूज चल रहा है, इसके वजह से इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे वो हम आपको लाइव बताएंगे और ये प्रॉब्लम जो है कभी दोबारा इसमें आएगा नहीं। तो इसमें हम जो है एक वायर काट के इसमें छोटा सा डालेंगे क्योंकि ये क्लिप जो है हमारा टाइट अटैच होना चाहिए। इसमें ये लूज रहता है, हिलता है वायर हमारा तो हमारा लाइट जो है ऑफ हो जाता है। जो इस तरह का वायर लेंगे हम और आपको लाइव इसलिए बता रहे हैं हमारा मैकेनिक भाई लोग परेशान हो जाते हैं, इसमें रस्सी विस्सी बांधने से काम नहीं होता है। तो और कितना भी टेप मार दीजिएगा वो अंदर से लूज रहेगा तो हिल ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है सब इतना ताम झाम करके। तो आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको कभी इस तरह से प्रॉब्लम आएगा तो आपको परेशानी जरा सा भी नहीं होगा। इस तरह से जो है इस वायर को हम छीन लिए हैं, आप देख पा रहे हैं मैं बताएंगे आपको। तो मेन पॉइंट रहता है हमारा जो अंदर का हिस्सा रहता है वो हिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से काट लेते हैं इस वायर को और इस जगह पे हम लगाएंगे ये जो हमारा वायर है। और ये यहाँ से डैमेज है आप प्रॉपर तरह से देख लीजिए। और यहाँ पर ऊपर तरह इसको अंदर ले लेते हैं, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं यहाँ पर इतना अंदर हम ले चुके हैं, यहाँ पर दिख पा रहा होगा। और इस क्लिप को हम डायरेक्टली लगाएंगे यहाँ पर इस तरह, ये हमारा लग चुका है। और हम चेक करेंगे यहाँ पर ऑन करेंगे गाड़ी को। तो गाड़ी ऑन की रह दी है, देख पा रहे होंगे हमारा पार्किंग लाइट ऑन हो चुका है। और यहाँ से हम कितना भी वायर को हम हिलाएंगे यहाँ पर ये देख पा रहे हैं तो ये हमारा कोई तरह का इशू नहीं होगा। गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट मारेंगे गाड़ी स्टार्ट। और यहाँ पर वायर जो है हम पूरा तरह से इसको हिलाएंगे यहाँ पर पूरा तरह से हिलाएंगे यहाँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई तरह का मिसिंग नहीं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये हमारा कन्फर्म तरह से हो चुका है। यहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ जो है दोस्तों
कुछ भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है क्लिप हमारा कंप्लीट इसी तरह से लगा रहता है और यहाँ पर कोई टेप मारने का जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट तरह से काम हो चुका है। इस रस्सी को हम काट के यहाँ से हटा देते हैं और इसका जो है इसका जगह में हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो क्लियर हो चुका है हमारा, कोई तरह का इशू नहीं है। एक बार और चेक करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हो चाबी ऑन किए तो यहाँ पर जो है हाई वाला असेंबल चला जाए, मतलब यहाँ से चला गया है। तो मेन पॉइंट जो रहता है दोस्तों वो पकड़ना है, तो आपको परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है चाबी ऑन किए, जो असेंबल हमारा नहीं आ रहा है, तो हमारा परफेक्ट तरह से गाड़ी क्लियर हो चुका है। यहाँ पर पार्किंग लाइट हमारा जल रहा है, चाबी ऑन है, गाड़ी को स्टार्ट मारते हैं एक बार और वापस हमारा फेल हो चुका है, गाड़ी को इस तरह से ऑफ करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आज तक की वीडियो यही करते हैं।